हेलो दोस्तों, आप सभी का बेसिक मैथ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम को सीखेंगे और बारीकी से उसको जानेंगे कि इस तरह का सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नियम को लिया गया है, जैसे कि एक नंबर में इस तरह का है, फिर दो नंबर में और तीसरे नंबर में यहाँ पर नीचे में आप लोग को कुछ नियम्स को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन के दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, घातांक के नियम में इस तरह का वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अगर यदि आप उस तरह का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में कुछ रूल्स को छोड़ दिया गया था जिसको कि इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल यह है कि ए टू द पावर माइनस एन को लिखा गया है 1/a^n। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर यदि यहाँ पर घातांक माइनस के रूप में हो, ऋणात्मक हो, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि मान चलिए 4^-3 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4^3। ठीक है, इसको ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए 1/4^3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5^-2 है, तो इसको इस -2 को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5^-2 को यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यह रूल होता है। इसी तरह का एक और रूल्स है दो नंबर में आपको, बस इसमें क्या किया गया है कि इसमें भिन्न है और यह जो सिंगल था। ठीक है, तो यहाँ पर है a/b^(-1)^-1, सॉरी यहाँ पर जो सवाल था हम लोग का कि a/b^(-n) जो है माइनस एन है, तो इसको किस तरह से लिखा गया, जब इसका पावर को धनात्मक बनाएंगे और वह फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो फ्रैक्शन क्या होता है, उसका अंश और हर आपस में पलट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a/b^(-n) रहे तो इस माइनस एन को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, अंदर वाले चीज़ को पलट देंगे। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि 7/9^(-2) है। ठीक है, यहाँ पर कह देगा आपको कि इस -2 जो है इसको प्लस में करके दिखाइए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, अंदर का जो ये 7/9 है इसको पलट देना। ठीक है, तो यह 9/7 हो जाएगा और पावर किस में आ जाएगा, धनात्मक में आ जाएगा। ठीक है, पावर धनात्मक में हो जाएगा। इसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/7^-4 है अगर यदि। ठीक है, मान लेते हैं, तो इस पावर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, अंदर में जो भिन्न है 5/7 है यह पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 7/5^4 हो जाएगा। जब यह भिन्न पलटा तो यह पावर धनात्मक के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह का एक और रूल्स है नंबर 3 में, देखिए यहाँ पर नीचे कह रहा है कि यदि a^m = a^n, तो m = n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है यह समान होता है। ठीक है, इसका जो बेस है यहाँ पर समान है, तो बेस क्या होता है, आपस में कट जाता है, मतलब आधार जो है आपस में कट जाता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 4^6 = 4^5। देखिए, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार दोनों साइड क्या है, आधार जो है समान है। इसको पावर कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, तो आधार क्या है, समान है, तो क्या होगा, आधार से आधार कट जाएगा, मतलब बेस से बेस कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, 6/5 हो जाएगा। 6/5 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह का एक और अलग एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि 5^3x = 5^9, इस तरह से रहेगा और आपको कह देगा कि इसमें x का मान निकाल के दिखाइए। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली सा इसको क्या, आधार जब सेम है बराबर के इस पार बराबर के उस पार, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। कट गया तो ऊपर में सिर्फ पावर बच जाएगा, तो 3x = 9 और x = क्या होगा,
यहाँ 9/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 से 9 डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 3 3 जा 9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह तीनों रूल आपको पूरी पूरी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।